इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भोजपुर गैंग रेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर प्रदर्शन। भोजपुर में दलित छात्रा के साथ गैंग रेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने, बढ़ते रेप, महिला हिंसा पर रोक लगाने की मांग को लेकर एपवा के बैनर तले प्रखंड के मोतीपुर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मांगों से संबंधित नारे लिखी तख्तियां झंडे हाथों में लेकर महिलाएं सरकार विरोधी नारे लगा रही थी। कार्यक्रम का नेतृत्व साजन देवी, लक्ष्मी देवी, चंपा देवी, अनीता देवी, कौशल्या देवी आदि ने किया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एपवा जिलाध्यक्ष वंदना सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर में छात्रा का अपहरण कर लिया गया, उसे अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। राज्य के विभिन्न जिले में रेप, गैंग रेप, महिला हत्या, महिला हिंसा की बाढ़ सी आ गई है। सुशासन की सरकार इसे रोकने की बजाय वर्चुअल रैली में मस्त है। उन्होंने तमाम आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने, अन्यथा आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। एपवा सह माले नेत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिला विरोधी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील भी महिलाओं से की है। भोजपुर में दलित छात्रा के साथ गैंग रेप और जो रेपिस्ट है वो छुट्टा घूम रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार मुजफ्फरपुर में भी डकैती के दौरान अपहृत लड़की की बरामदगी नहीं, तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ा है। और हम अपनी महिला संगठन के बैनर तले ये मांग करते हैं कि अगर महिलाओं का अत्याचार नहीं रुका तो हमारी महिला संगठन लगातार आंदोलन करेगी। अभी ताजपुर के मोतीपुर में महिला विरोध कर रहे हैं। भोजपुर में दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की छेड़खानी की घटना घटी है। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान एक युवती को, छात्रा को डकैत उठा करके ले गया। चार दिन हो गया, लेकिन चार दिन के बाद उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। समस्तीपुर के भी कई जगह पर घटना इस प्रकार की घटी है। पूरे बिहार में महिला हिंसा चरम पर है। प्रतिदिन महिला की हत्या हो रहा है, महिला से संबंधित योजना की लूट हो रही है। इसके खिलाफ मोतीपुर में आज प्रदर्शन के माध्यम से नीतीश सरकार से, पुलिस से मांग किया जा रहा है कि दोषी को जेल में भेजा जाए। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले, ताजपुर। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।